हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जापान की कैपिटल सिटी और पूरे जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, टोक्यो को आधिकारिक रूप से द टोक्यो मेट्रोपोलिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जापान की इस राजधानी को पूरे दुनिया के उन शहरों में से एक गिना जाता है जिनकी पूरी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। टोक्यो शहर में आबादी ज्यादा होने के कारण ही यहाँ के लोगों के घर काफी छोटे होते हैं, और यहाँ पर जगहों की कमी के चलते कुछ होटल्स तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, एक कमरे का साइज केवल एक छोटे बेड जितना होता है। और इन छोटे रूमों को टोक्यो में कैप्सूल रूम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज्यादातर आपको टोक्यो के अधिकांश हिस्सों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे, और खास तौर पर मेट्रो ट्रेन के साथ। दोस्तों, यहाँ के मेट्रो स्टेशन की सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ के स्टेशन की भीड़ भाड़ को संभालने के लिए कई सारी आदमियों को नौकरी पर रखा गया है, जो लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का लगाकर उन्हें अंदर करते हैं। दोस्तों, टोक्यो में रहने वाले अधिकांश लोग अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें अपने परिवार वालों को समय देने का टाइम ही नहीं होता। यहाँ के लोग काम और समय की कमी के चलते अपनी नींदों को ट्रेन या फिर बस में सफर को पूरा करते करते ही कर लेते हैं। दोस्तों, जापान के इस शहर को पूरे विश्व भर में सबसे अमीर सूची में भी गिना जाता है। दोस्तों, जो कोई भी जापान में घूमने के लिए जाते हैं वो टोक्यो जाकर एक बार तो शॉपिंग तो जरूर करता ही है। दरअसल, टूरिस्टों के लिए टोक्यो शहर में टैक्स फ्री शॉपिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है, और आने वाले पर्यटक अपने पासपोर्ट के जरिए से बिना कोई टैक्स दिए खूब शॉपिंग करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर लोगों को काफी सस्ते में सामान मिल जाते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टोक्यो ही सबसे प्रभावित होने वाला शहर था, यहीं पर सबसे ज्यादा बमबारी करी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि महज 48 घंटों में यहाँ के 1,00,000 से भी ज्यादा लोग अपने जाने गवा दी थी। उसके बाद टोक्यो ने अपने आप को बहुत ही तेज गति से डेवलप करना शुरू कर दिया, और ये अपने इतिहास को पीछे पलट कर कभी भी नहीं देखा। और टोक्यो शहर आज के समय में काफी अमीर होने के साथ साथ करोड़ों लोगों का घर भी है। दोस्तों, ये छोटा सा शहर अपने इतिहास में 2 बार ओलंपिक आयोजित करवा चुका है, जिसमें पहला बार साल 1964 ईस्वी में और दूसरी बार साल 2020 में। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि टोक्यो शहर में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। 100 महिलाओं में से केवल 95 पुरुषों की गिनती है, मतलब कि यहाँ पर सारे पुरुष अगर शादी भी कर लें तब भी हजारों की तादाद में महिलाएं अकेले ही रह जाएगी। दोस्तों, टोक्यो में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है शिंजुकू, और यहाँ पर केवल 0.34 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से एरिया में 3,500 से भी ज्यादा छोटे बड़े लड़कियां और महिलाएं दह व्यापार जैसे कामों को अंजाम देती है। हालांकि टोक्यो के समेत पूरे जापान में इस तरह के किसी भी कामों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ पर आपको हजारों की तादाद में महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई आसानी से नजर आ जाएगी। दोस्तों, वयस्क जिंदगी और ऊंची इमारतों के अलावा टोक्यो अपने लग्जरियस होटल के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है, और यहाँ पर स्ट्रीट फूड से लेकर सैफो के चाकू चलाने की स्पीड भी देखने योग्य होती है। दोस्तों, अगर बात करें टोक्यो के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो ये शहर पूरे 2,194 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से टोक्यो जापान की राजधानी है, उसी प्रकार से टोक्यो की कैपिटल सिटी शिंजुकू शहर है। दोस्तों, आपको टोक्यो के आसपास बेहद ही सुंदर सुंदर बीचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओदेबा, कासाही काई इन पार्क, कामाकुरा बीच और एनोसिया बीच। दोस्तों, अगर बात करें पूरे टोक्यो की पॉपुलेशन के बारे में, तो यहाँ पर तकरीबन 1,40,00,000 की आबादी बसती है, इसीलिए यहाँ के हर जगहों पर आपको केवल इंसान ही देखने को मिलेंगे। इसके बावजूद टोक्यो अपने साफ सफाई के मामलों में बाकी शहरों के अपेक्षा काफी आगे है, और ये पूरा क्रेडिट यहाँ के नागरिकों को जाता है। दोस्तों, इस विकासशील शहर में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, और साल 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार से टोक्यो में 25,00,000 पर्यटक घूमने के लिए आए थे, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर विदेशी नागरिकों को अपनी ओर कितने तेजी से आकर्षित करते जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर जापानी येन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक जापानी येन हमारे भारत देश में केवल 66 पैसे के बराबर बैठती है, और इसी कारण से ये यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता हो जाता है। इसके अलावा इस बिजी शहर की नाइट लाइफ की तो अलग ही जलवे हैं। पूरे दुनिया के युवा नागरिक यहाँ के खानों से लेकर सांस्कृतिक और यहाँ की महिलाओं के लिए दीवाने हैं। तो दोस्तों, ये थी टोक्यो से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।